अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं जल्दी जल्दी आज काबली पुलाव बना रही हूँ, साथ आपको भी दिखाऊंगी कि मेरा काबली पुलाव कैसा बना। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मज़े का भी होगा इंशाल्लाह। जब खाऊंगी तो बताएंगे। चले भाई, आज हम जा रहे हैं सारे आई पार्क। मैं पहले भी जा चुकी हूँ और इस पर मैंने फुल व्लॉग बनाया है, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं और मैं अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। आज हम बाहर ही खाएंगे और आपको रास्ते की जो व्यू है वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगी और दिखाऊँगी कि कितना खूबसूरत लग रहा है। चलें भाई, चलते हैं। साथ साथ मैं आपको बाहर का व्यू भी चेक करवाती हूँ। ये चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, शाम होने वाली उससे पहले का ये मंज़र है। आई पार्क जब आप जाते हैं तो रास्ते में ये छोटा सा गांव पड़ता है, गांव इसको कह नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ सब कुछ मौजूद है। लेकिन आप इसका व्यू चेक करें तो वाह क्या बात है। आई पार्क हम पहुँच गए हैं, वो सामने ऊपर हमने जाना है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पिछली दफ़ा हम आए थे तो हम नीचे नहीं गए थे। आज पहले आपको नीचे का व्यू चेक करवाती हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अगर आप टाइम पाएँ तो इस जगह पे ज़रूर आके कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। और रूहान जी के फ्रेंड बन गए हैं, उनसे चीज़ें ले आए हैं ये। यहाँ पे कोई भाई सब्ज़ी बेच रहे थे, फ्रेश साग था और ग्रीन प्याज था, वो मैंने ले लिया 5 रियाल का और बहुत ज़्यादा मुझे मिल गया, बहुत अच्छा था। चलें अब ऊपर चलते हैं। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको बच्चों के लिए झूले भी नज़र आएंगे, प्लेग्राउंड भी नज़र आएगा और यहाँ पे छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं और हमने भी एक ले लिया, अपना सामान लगा दिया। अपनी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं कि वो आए तो हम खाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसका मंज़र, और मेरी फ्रेंड आ चुकी है और आते ही हमने सबसे पहले बनाई है चाय। खत्म, बाय बाय टाटा। ऐसी बात नहीं है, चाय बच गई भाई, थोड़ी सी नीचे गिरी थी लेकिन चाय बड़ी मोहब्बत से बनाई थी इसलिए बहुत ज़्यादा मज़े की बनी। चाय पीने के बाद सब अपने कामों में लग गए, कोई मोबाइल देख रहा था, कोई मोबाइल पे बातें कर रहा था और मैं आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ। उसके बाद हमने रोह वसीम को भेजा कि जाइए नीचे थोड़ी लकड़ियाँ वगैरह उठा लें। कोयले हम लाए थे लेकिन इसकी भी थोड़ी ज़रूरत थी। रोहान मज़े कर रहा था झूले झूलने के। उसके बाद हमने बारबेक्यू बनाना स्टार्ट किया और अब देखें इतने मज़े का बारबेक्यू बना जिसका आप ना पूछें। यहाँ पे खूबसूरत सा डॉगी आया हुआ था और बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसका नाम भी था मैं भूल गई, लेकिन रोहान जो था इसको छोड़ नहीं रहा था। ये देखो ज़रा, दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं और बच्चे जो हैं मज़े से झूले झूले खा रहे हैं। ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। मैंने कहा आउटिंग पे जा रहे हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। उम्मीद करती हूं आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप यहां आए कि नहीं आए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।